एकलव्य विद्या संकुल। इकाई 7, सोच अपने अपने साहित्य प्रकार है वाद विवाद। विषय प्रवेश। अपनी शाला में आपने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं, विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। उसमें पहला है कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। उनमें दो चित्र दिए हुए हैं, यह है पहला चित्र है और यह दूसरा चित्र है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न पहला है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? उसका उत्तर है, दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और एक तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? उसका उत्तर है, गांव के जीवन में सादगी और सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है, क्या तालाब का जल पीने के योग्य होता है, यदि नहीं तो क्यों? उसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता। अब हम देखें प्रश्न चौथा, विज्ञान वरदान या अभिशाप? इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखिए। उसका उत्तर है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाई बताता है तो दूसरी उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, बिजली से बचने वाली मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन हैं। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से ही मिले हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज भी दुनिया ही बदल डाली है। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और प्रश्न पांचवा है, कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है, अपने विचार कारण सहित बताइए।
इसका उत्तर है कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता कहानी उपन्यास जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह पुरुषों को अच्छा बनाती है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक की होती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है, इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न छठा है, आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? इस विषय पर मित्र को संक्षेप में पत्र लिखिए। उसमें पहले हम देखते हैं 15 सुयोग, बोखिली पूर्व, मुंबई। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि सैनिक राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज, दाने, मसाले, तेल आदि महंगे हैं। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनको जरूरी आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित सामग्री के आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें है बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। हम देखते हैं कि नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसे तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो ए छोपी हमारे पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुवार के बांध धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाली इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोर अवस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिकल्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के दो तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा। इसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल को ऐसी पटिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है, और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारे पृथ्वी के कष्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा है कि धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखना जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्मिथसन स्पेस टेलीस्कोप
ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए हैं। लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलके झपकने जैसा है। उन्होंने बताया है कि इस ग्रह को हमारे पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। प्रश्न पहला है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? उसका उत्तर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उसका उत्तर है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी के पथ हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, सही जोड़ का मिलाप कीजिए। उसमें पहला है, अ 424 प्रकाश वर्ष। उसका उत्तर है, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष। उसका उत्तर है, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष। उसका उत्तर है, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पीजर स्पेस, उसका उत्तर है, नासा का टेलीस्कोप कैरिसिस है। उसका उत्तर है, वैज्ञानिक। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उसमें पहला है, भिन्न विभिन्न, दूसरा है, देश विदेश, तीसरा है, पका अधपका, चौथा है, गम दुर्गम, पांचवा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, छठा है, जीव निर्जीव, सातवा है, बल निर्बल, आठवा है, समझ गैर समझ, नौवा है, सुविधा असुविधा, दसवा है, वांछित अवांछित। प्रश्न चौथा है, प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उसमें पहला है, नियम नियमित, दूसरा है, विदेश विदेशी, तीसरा है, प्रकृति प्राकृतिक, चौथा है, पुत्र पुत्री, पांचवा है, लापरवाह लापरवाही, छठा है, चंचल चंचलता, सातवां है, यंत्र यांत्रिक, आठवां है, मानव मानवता, नौवा है, हंस हंसी, और दसवां है, परिचय परिचित। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित वाक्य में से अव्यय छांटकर लिखिए। उसमें वाक्य पहला है, उमंग और स्मित घर चले गए, उसमें अव्यय है और, दूसरा है, मुझे कैमरा या मोबाइल फोन चाहिए, उसमें अव्यय है या, तीसरा है, वाह क्या कैच लिया है, उसमें अव्यय है वाह, चौथा है, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, उसमें अव्यय है तथा, पांचवा है, वह तेज दौड़ा, उसमें अव्यय है तेज। अब हम देखते हैं प्रवृत्तियाँ। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित विषय पर अपने कक्षा में वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन कीजिए। उसमें पहला है, मोबाइल फोन लाभ या हानि, दूसरा है, दूरदर्शन हानि या लाभ, तीसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या अंग्रेजी, और दूसरा है, उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए, तीसरा है, वाद विवाद के लिए ध्यान देने योग्य 3 बातें लिखिए। अब हम देखते हैं, हमने आगे जो प्रश्न देखे उसके आधे जवाब यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसमें हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है, उसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इसके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक दूसरा है प्रश्न है, उसका जवाब है कि वायु में प्रदूषण बढ़ा है, इसमें संदेह नहीं है कि वे विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सत्य यह है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीते जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान के वरदान और आधुनिक विज्ञानों का आभार मानना चाहिए, उनके प्रयत्नों से ही हमें ये वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। थैंक यू।